सो हेलो एंड वेलकम, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले स्टील एक्सचेंज इंडिया एलटीडी के बारे में। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमने जो प्रीवियस वीडियोस बनाया उनको भी देख लेना। सो गाइस, आज हम बात करने वाले स्टील एक्सचेंज के बारे में। तो इसके मार्केट कैप की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 453 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और इसका करंट प्राइस की अगर बात कर ले तो 56 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। लगभग 4 रुपये शेयर आज गिरा है और 6% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। तो आप देख सकते हो इसमें अच्छी खासी आज गिरावट देखने को मिली है। इसमें खासकर प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा होती हुई हमें दिख रही है, क्योंकि शेयर पिछले कुछ दिनों से गिरते ही जा रहा है। आप देख सकते हो 1 मंथ चार्ट फ्रेम की अगर बात करें तो इस शेयर में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। तो अगर इसके क्वार्टर फोर के रिज़ल्ट जो थे वो आज आ गए हैं, और इसके क्वार्टर फोर के रिज़ल्ट की अगर बात करें तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, और जो टोटल इनकम है वो कंपनी ने 300 आप देख सकते हो 340 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट की है इनकी इनकम। और आप देख सकते हो जो प्रीवियस जो इनका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट था तब इनकी इनकम थी लगभग 270 करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर अच्छा खासा कंपनी ने रिटर्न दिया, बट क्वार्टर थ्री के जो रिज़ल्ट है उसके कंपेयर में अगर देखें तो क्वार्टर फोर के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं। इसमें अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली, बट टोटल इनकम जो कंपनी का जो तो जो है वो अच्छा बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। 340 करोड़ एक बढ़ गया है, तो अच्छा खासा कंपनी ने कमाया है पैसा इस क्वार्टर फोर के रिज़ल्ट में। तो आगे इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और जो ये शेयर गिरा है हम इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं, और हम इसमें बाइंग के जो अपॉर्चुनिटीज़ है हम उसे ढूंढ सकते हैं। सो गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।